thoughts Hindustani. Chutiya banana ek kala. तो नॉर्मली तो मैं अंग्रेज़ी में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ अकल लगानी होती है. आज मैं हिंदी में कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी में कर रहा हूँ. चूतिया बनाना है बेवकूफ़ बनाना, उल्लू बनाना, डिसीव करना किसी को. और डिसेप्शन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. डिस्कवरी चैनल देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लानट, आपको पता चल जाएगा कि हर जानवर दूसरे जानवरों को उल्लू बनाने के लिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी करता ही है. हम इंसान, क्योंकि हम समाजी जानवर हैं, हम समाज के बिना रह नहीं सकते या रहना नहीं चाहते, या हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है अगर हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट ना करें तो हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही होती है. और न सिर्फ हमको दूसरी स्पीशीज़ को उल्लू बनाना होता है, मुर्गियों को हम खाना खिलाते रहते हैं, टर्की को हम खाना खिलाते रहते हैं साल भर, और वो समझती है कि हम उसके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं. लेकिन थैंक्स गिविंग डे जब आता है तो फ़ौरन उस टर्की को काट डालते हैं. बकरे को बहुत प्यार से रखते हैं और जिस दिन बकरीद आती है उस दिन अल्लाह अकबर करके उसको काट देते हैं. उनको तो छोड़ो, वो तो बेचारे चूतिए बन जाते हैं. हम दूसरे इंसानों को ही चूतिया बनाते हैं. इट्स नेसेसरी, हर पॉइंट पर नेसेसरी है. किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लीजिए जिसको बहुत जल्दी, सपोज नॉर्मली 5 साल में प्रमोशन मिलता है, उसे 3 साल में मिल गया. उसे पता कीजिए, क्या उसने पिछले 3 साल में कभी अपने बॉस को चूतिया नहीं बनाया? कम से कम एक दफ़ा तो ऐसा हुआ होगा कि बॉस उसको अपने घर पे खाना ले खिलाने ले गया होगा, उसकी बीवी ने खाना बनाया होगा जो उसे पसंद नहीं आया होगा, मगर उसने कहा होगा क्या भाभी जी क्या खाना बनाती हैं आप. या ये कि बॉस ने कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी की कमग ला के रखा होगा और उसमें शक्कर जो है वो 1 चम्मच ज़्यादा होगी, वैसे नॉर्मली उसे मिली हुई नहीं होती लेकिन लेट्स प्रिज्यूम कि होगी. तो वो यही कहेगा अपने बॉस से. बॉस पूछेगा इज द शुगर ऑल राइट? अरे बॉस बिल्कुल परफेक्ट शक्कर है. एटलीस्ट इतना झूठ तो बोला होगा, एटलीस्ट इतना डिसीव तो किया होगा, एटलीस्ट इतना चूतिया तो बनाया होगा. और उसे छोड़िए, अपने घर में देख लीजिए, आपकी बीवी या आपकी माँ या आपकी बहन ने आपके लिए खाना बनाया, आपको पसंद नहीं आया, आप क्या करेंगे? पाँव पटकते हुए बाहर जाएंगे या आप ये कहेंगे कि जाने दो, आज अच्छा नहीं बना, आज वो चीज़ बनाइए जो मुझे पसंद नहीं है. तो भी इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आप ये कहेंगे आज भूख नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, खाना ज़्यादा खा लिया था, दोस्त ने खिला दिया था, आज रहने दीजिए, आज नहीं खा रहा मैं, या थोड़ा सा खा के आप उठ जाएंगे. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप ये करेंगे. जो लोग हमेशा हर चीज़ में सच बोल देते हैं, क्या खाना बनाया है कचरे के जैसा, ऐसे लोगों को फिर दिल से कोई भी खाना बना के कभी नहीं खिलाता, तो उनके सक्सेस लेवल जो है डाउन हो जाता है आगे चल के. सक्सेस क्या है बाय द वे, कामयाबी क्या है? कामयाबी बेसिकली ये है कि हमें मटीरियल बेनिफिट्स मिलते रहें जो कि दूसरे लोग देते हैं, और रिस्पेक्ट मिलती रहे जो कि दूसरे लोग देते हैं. आई एम अ सक्सेसफुल राइटर, सपोज आई एम नॉट बट सपोज आई एम, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग मेरा नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं और इम्प्रेस होते हैं उससे मुझे ढेला नहीं मिले चाहे, बट आई विल स्टिल बी अ सक्सेसफुल राइटर और अ सक्सेसफुल पोएट. सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, एम्पायर बहुत बड़ा कर लिया है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, ब्ला ब्ला, एवरीथिंग मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ थिंग्स एक्चुअली, मटीरियल बेनिफिट्स एंड रिस्पेक्ट, बोथ ऑफ विच कम फ्रॉम अदर पीपल. ये दोनों चीज़ें हमको दूसरे लोग देते हैं. और जैसा हमने देखा, हम दूसरे लोगों से वो
बिना डिसीव किए ले ही नहीं सकते। अब उसमें सवाल यह है कि आप किस हद तक, किस लेवल के डिसेप्शन को डिसेप्शन मानते हैं, किस लेवल के चूतिया बनाने को चूतिया बनाना मानते हैं। मैं जब भी किसी के हाथ का खाना खाता हूं, उसमें हमेशा ये ढूंढता हूं कि क्या अच्छा है और उस चीज की तारीफ करता हूं। एक आध चीज उसकी मुझे गड़बड़ भी लगती है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। एंड आई एम सोशली सक्सेसफुल, लोगों के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं, जिस वक्त मुझे जरूरत होती है आ जाते हैं लोग मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा डिसेप्शन इस लेवल का है कि उन्हें हजम हो जाता है। जिसने खाना बनाया उसे मालूम है उसने अच्छा नहीं बनाया, तभी भी उस शख्स सोचता है, सोचती है कि ठीक है ना, शायद कुछ अच्छा बन गया होगा, ठीक है ना, ये तो तारीफ करता है, ठीक है ही, मतलब वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करता है, करती हूँ। उसकी जगह मैं हर जगह प्लेटें उठा के फेंक रहा होता कि ये कोई खाना में खाना है, कितने लोग मुझे खाना खिलाते, खाने पे बुलाते, अनलेस के मेरे पास उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती होती या मैं उन्हें इतने पैसे दे रहा होता कि उसकी लालच में वो मुझे छोड़ के नहीं जाते। सक्सेस, कामयाबी किसी ना किसी लेवल का डिसेप्शन मांगती है। अब मैं हायर लेवल डिसेप्शन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी से ये कह के पैसे उधार नहीं लेता कि अगले हफ्ते लौटा दूंगा और फिर कभी नहीं लौटाता। मैं ऐसा नहीं करता। सो टू दैट एक्सटेंट आप कहेंगे कि मैं लोगों को चूतिया नहीं बनाता, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल्स दी किस तरह मैं दूसरों को चूतिया बनाता हूं। तो जिसको लोगों को हायर लेवल पे डिसीव करना है, यानी जिसको सिर्फ दूसरों के बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं करनी, बल्कि जिसको लोगों से पैसे लेने हैं और वापस नहीं करने हैं, उसको डिसेप्शन को हायर लेवल पे ले जाना पड़ता है। मैं अगर किसी खाना पकाने वाले की खाने की तारीफ कर दूं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार लेने को आऊं 1 महीने के लिए, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 लाख छोड़ो, जो भी अमाउंट आपके पास मौजूद है बैंक में, वो सारा का सारा अगर मैं लेने के लिए आऊं, तो मेहनत मुझे बहुत करनी पड़ेगी। शायद आप दे दें मुझे, मुझे उसमें आपको डिसीव भी करना पड़ेगा। मुझे ये बोलना पड़ेगा शायद कि मुझे हार्ट बाईपास ऑपरेशन के लिए चाहिए, इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि भाई करवाना ही पड़ेगा, तो दे दीजिए पैसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किसी को 2 हफ्ते के लिए घुमाने के लिए लेके जाना है, बिकॉज आई हैव ग्रेट सेक्स विद दैट पर्सन, तो इस वजह से हम लोगों को घूमने जाना है, एंड आई वॉन्ट टू हैव फन फॉर दीज टू टू वीक्स, तो उसके लिए आप मुझे पैसा दे दीजिए। एक आध कोई कहीं से शायद निकल आए, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि उस सच्चे रीजन के लिए कोई मुझे पैसे नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने झूठा बहाना बनाया हार्ट बाईपास का, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे मेरे शुभचिंतक हैं जो मुझे पैसे दे देंगे। डिसेप्शन करने के लिए, चूतिया बनाने के लिए, यू हैव टू बी गुड एट डिसीविंग पीपल। तो वो पहली पायदान है कि आपको दूसरों को चूतिया बनाने में अच्छा होना चाहिए। अगर आप हाई लेवल का डिसेप्शन, जो चीज़ सामने वाला बिलीव नहीं करना चाहता, या कोई चीज़ जो वो देना नहीं चाहता, वो आपको उससे लेनी है, जो उसके भी काम की चीज़ है, तो आपको अच्छे, काफ़ी अच्छे लेवल, काफ़ी हाई लेवल पर सामने वाले को चूतिया बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मुझे 2 हफ्ते बाद फिर उतने ही पैसों की जरूरत पड़ी,
तो जिनसे पहले लिया था उनकी तो तनख्वाह आ गई, तो वो भी दे सकते हैं और कोई दूसरा भी मुझे दे सकता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग देयर इज़ कि अगर मैं उसी आदमी के पास दोबारा जाऊँ तो उसने इस दौरान में ये फिगर आउट ना किया हो कि मैंने उसे चूतिया बनाया है। यानी चूतिया बनाने का की कला का अगला की अगली पायदान जो है, उसकी एक्सपर्टीज़ की अगली पायदान जो है वो ये है कि न सिर्फ ये कि सामने वाले को चूतिया बना सकूँ मैं, बल्कि उसे पता भी ना चले कि उसे चूतिया बना दिया गया है बाद में भी। पहले तो ऑब्वियसली नहीं पता, जब भी तो वो चूतिया बना, लेकिन ये कि बाद में भी उसे पता ना चले। लेकिन होता क्या है कि जनरली कुछ लोग होते हैं जो बहुत आसानी से चूतिया बन जाते हैं, जैसे मैं बहुत आसानी से चूतिया बन जाता हूँ। तो कई दफ़ा लोग सेम चीज़ बोल बोल के मुझसे पैसे ऐंठते रहते हैं और उल्लू बनाते रहते हैं और दूसरे फायदे उठाते रहते हैं। किसी स्ट्रीट स्मार्ट इंसान को शायद दूसरी दफ़ा में समझ में आ जाता है, मुझे 20वीं दफ़ा में समझ में आता है कि मुझे चूतिया बनाया जा रहा है, या समझ में भी आ जाता है तो भी मैं बनाने देता हूँ। लेकिन ये कि अगर दूसरे लोगों को समझ में आ गया है तो दूसरे लोग आपको फायदा नहीं उठाने देंगे, अपने आप से या समटाइम्स मेरे से भी फायदा नहीं उठाने देंगे, सो विक्टिम से। सो अगर हम आप कोई भी किसी को चूतिया बनाना चाहते हैं, तो पहले तो हमको बहुत अच्छे लेवल पे चूतिया बनाना पड़ेगा। सेकंड, विक्टिम को समझ में नहीं आना चाहिए कि उसको चूतिया बनाया गया है कभी भी, और दूसरे लोगों को भी पता नहीं चलना चाहिए, ज़्यादातर दूसरे लोगों को जो उसको अलर्ट कर सकते हैं या जिनसे हमको जाना है फिर कभी कुछ और लेने के लिए, तो उनको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उनको चूतिया बनाया। तो ये अगली पायदान है। इसके ऊपर की पायदान क्या है? चूतिया बनाने की कला की, वो है कि न सिर्फ ये कि आप चूतिया बना लो, न सिर्फ ये कि जिसको चूतिया बनाया उसे पता ना चले बाद में भी, न सिर्फ ये कि ज्यादातर लोगों को पता ना चले, बल्कि किसी को भी पता ना चले। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को चूतिया बना चुके हैं, तो आप बहुत मशहूर हो जाते हैं, आप बहुत कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? फिर आप कामयाबी की, इतने ज्यादा आपके पास पैसा होता है या पावर होती है कि किसी एक आदमी की भी समझ में आ जाए एंड ही मेक्स अ गुड केस ऑफ इट, तो वो केस एक के बाद एक के बाद एक बाकी लोगों को समझ में आने लगता है, और आप जो हैं फिर उसके बाद इतनी आसानी से दूसरों को चूतिया नहीं बना पाते हैं। वो अगली पायदान है चूतिया बनाने की। अच्छा, अब जरा सा एक डिटूर लेते हैं, क्योंकि चूतिया बनाना हर स्पीशीज के लिए जरूरी होता है, सोशल स्पीशीज के लिए ज्यादा जरूरी होता है, सेरेब्रल एंड सोशल स्पीशीज के लिए और भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अकल लगा के पहचान जाते हैं कि सामने वाला हमें चूतिया बना रहा है, क्योंकि हम खुद उस कला में पारंगत है ना, तो हमें मालूम है कि दूसरा हमें कहाँ चूतिया बना रहा है। द सटल क्यूज विच कम आउट जब सामने वाला हमें चूतिया बना रहा होता है, तो बड़ी सटल सी चीजें एस्केप हो जाती हैं, और वो जब एस्केप हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे पकड़ लेते हैं, हमें गट फील लेवल पे ही सही सामने वाले पे शक होने लगता है। सो हमने इसका क्या तरीका निकाला? हमने इसका तरीका ये निकाला कि हम को उससे हाई पायदान पे अगर किसी को चूतिया बनाना है, तो पहले हम अपने आप को कन्विंस करते हैं। जब हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, तो फिर हमारे दिल से, हमारे गट से जो आवाज निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली हुई बात हमेशा सामने वाले के दिल पे किसी न किसी हद तक असर कर जाती है। और मैं अगर चूतिया बनाने में अच्छा हूं, तो मुझे मालूम है कि मुझे किसको चूतिया बनाना है किसको नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही लोगों के पास जाऊंगा जिनसे ये दिल की, जिनके ऊपर के इस दिल की आवाज का असर ज्यादा होता हो। सो अगली पायदान ये है कि न सिर्फ आप चूतिया बना सको, बल्कि जिसे चूतिया बनाया उसे पता भी ना चले, बल्कि ज्यादातर लोगों को भी पता ना चले कि आपने चूतिया बनाया, बल्कि बनाते हो, बल्कि किसी को भी पता ना चले, बल्कि यहाँ तक कि आपको भी पता ना चले कि आप दूसरों को चूतिया बनाते हो।
और ये हम सब करते हैं। हम सब की अपनी कहानियां होती हैं जो अगर हम थोड़ा सा भी बैठ के सोचें तो हमें पता चल जाए कि ये सब कहानियां हैं। ऑब्वियस केस सामने आता है, मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, मेरा रिलीजन सबसे सही है, ये कहते हुए मेरी कम्युनिटी सबसे सही है, आप सड़कों पे जाके बसें जलाते हैं, लोगों को जान से मारते हैं, कभी अपने आप को जान से मारते हैं। देख लीजिए हर जगह, मेरी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि उसको क्या है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। मेरी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि हमें कुछ बेनिफिट्स जो एज अ सिटीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये कोई ना कोई कहानी है, हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है इसलिए आप सब आओ हमारे रिलीजन को ज्वाइन करो, और कम से कम एक रिलीजन तो मैं जानता हूँ जो आपको बुलाने के लिए तो बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और फिर उसके बाद आप उसको छोड़ना चाहो तो छोड़ने की सजा है मौत। आपको बुलाया तो ये कह के जाता है कि सबको छोड़ दो, अकल इस्तेमाल करो, और एक बार आप अंदर आ जाएं फिर अकल इस्तेमाल करके आप कहीं और जाना चाहें तो आपसे कहा जाता है नहीं 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 नहीं, जाओगे तो जान से जाओगे। सो ये सारे ड्रामे जो हैं, ये सारी कहानियां जो हैं, अगेन फलाने भगवान फलाने चबूतरे पर ही पैदा हुए थे, हैं हैं। अक्सर और बेशतर हमको ये भी नहीं मालूम होता कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का बेटा कहाँ पैदा हुआ था, कौन से बेड नंबर कौन से वार्ड में पैदा हुआ था, उस पलंग का सीरियल नंबर क्या था, नहीं मालूम होता। लेकिन आज से ये भी नहीं मालूम कितने हजार साल पहले कौन कहाँ पैदा हुआ था एग्जैक्टली, वो हमको मालूम है और अब हम उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। हमें ये मालूम है कि कॉस्मोस का कोई मेकर मौजूद है, किस बेसिस पे मालूम है, बेसिस कुछ नहीं है, बस मालूम है। क्यों मालूम है, 1400 साल पहले या 2000 साल पहले या 3500 या 5000 साल पहले किसी ने बोला था कि नहीं नहीं वो तो बनाने वाला है, बनाने वाले के बिना कोई चीज बनी नहीं सकती। तो भैया फिर बनाने वाला कैसे बन गया बिना किसी उसको बनाने वाले के, नहीं नहीं वो तो हमेशा से मौजूद था भाई, वो हमेशा से मौजूद था तो जो बना हुआ है वो भी हमेशा से मौजूद हो सकता है ना यार, लॉजिक कुछ नहीं है, मान लिया है। वो साहब बिल्कुल हम सच्चा रिलीजन लेके आए थे, वो तो सच्चे मैसेंजर थे 1400 साल पहले। अरे वो किसी चीज में बिलीव करते थे इसलिए हम बिलीव करें, मुझे तो यही नहीं पता चलता कि मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं उसमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं। जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है उसके बारे में मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं कि इसके बिना मैं जी नहीं सकता, और अगर जी सकता हूं तो जीना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आज वो शख्स गायब हो जाए डिसअपियर हो जाए और मुझे ये कन्विंस कर दिया जाए कि वो अब कभी री अपियर नहीं होगा, तो क्या मैं उसी सेकंड मर जाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं मरूंगा। क्या उसके 10 मिनट के अंदर मैं घर के अंदर से कोई चीज ढूंढ के सुसाइड कमिट कर लूंगा? 10 मिनट के अंदर घर में इतनी चीजें होती हैं कि हर इंसान अपने आप को मार सकता है। तो इन दैट केस जो मैं कह रहा हूं वो भी कहानी है, सच्चाई नहीं है। आई हैव डिसीव्ड माई सेल्फ, और उसके बाद फिर जो मैं शायरी करता हूं तो उसमें दम होता है, बिकॉज आई बिलीव इट, बिकॉज आई हैव डिसीव्ड माई सेल्फ। हम सब यही करते हैं, हम सब
किसी ना किसी मामले में पांचवीं पायदान पर जरूर होते हैं, जब हम अपने आप को इतने सक्सेसफुली चूतिया बना चुकते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि क्या सच है और क्या कहानी। तो ऐसा करने से हमें फायदा तो बहुत होता है, कामयाबी भी मिलती है, आराम भी मिलता है। तो जब उस कहानी को जिससे कि हमें कामयाबी मिल रही है या आराम मिल रहा है या दोनों मिल रहे हैं, कोई उसे कहानी साबित कर देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो मैं भी अक्सर लोगों की प्यारी कहानियों को कहानी बताता रहता हूँ और अक्सर हमेशा उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों ने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया है। सो ऑफिशियली मैं माफी मांगना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि देखिए, मैं तो अगर मुझे कोई चीज कहानी दिखती है, अगर उसकी सारी मंतक, सारे जवाज, सारे एविडेंस, सारे सबूत मौजूद हैं कि ये कहानी है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे या मुझसे चाहेंगे कि मैं झूठ मूठ कह दूं कि ये हकीकत है, तो मैं वो नहीं कह पाऊंगा। मुझे कहना पड़ेगा कि वो कहानी है। सो अपोलॉजीज मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट ज़िंदगी में जो है, दैट इज़ इन द नेचर ऑफ रियलिटी, कि है क्या, सीधा सा सवाल है क्या, क्या है, आसान सा सवाल है। इट्स द नेचर ऑफ रियलिटी विच एक्सरसाइजेज मी द मोस्ट। आज से नहीं, न जाने कब से ये बात मुझे टोचती रही है, क्या सच है, क्या कहानी है। कम से कम 10वीं क्लास से तो मैं इस चीज के बारे में सोचता चला आ रहा हूं। 38-40 ईयर्स, क्या है क्या, क्या हकीकत है, क्या कहानी है। और मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं, सबसे इंटेलिजेंट नहीं हूं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं, बहुत अर्नेस्ट इंसान हूं, जो करता हूं पूरी जान लगा के करता हूं, और ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से जानता हूं बहुत सारी कहानियों के बारे में कि वो सिर्फ कहानियां हैं। तो अगर आप चाहोगे कि मैं कहूं कि नहीं ये तो सच्चाई है, अनमिट सच्चाई है, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि आपकी कहानी सिर्फ एक कहानी है, कि आप चूतिया बनाने की कला के पांचवें पायदान पे हो और बहुत कामयाबी से अपने आप को चूतिया बना चुके हो, जैसा मैं अपने बारे में भी अर्ज करता रहता हूं। मैंने अभी कहा ना, मेरे लिए सबसे अहम मेरी मोहब्बत है, और वो मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि वो भी मैं अपने आप को चूतिया ही बना रहा हूं। इट्स अ फकिंग स्टोरी, दैट्स ऑल इट इज। If it were that important, why am I still alive?
आई हैव लॉस्ट इन लव मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा मैंने धोखे खाए हैं मोहब्बत में, और हर दफ़ा जब मोहब्बत होती है तो इतनी ही इंटेंसिटी के साथ होती है, तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ, मर क्यों नहीं गया। तो मैं तो अपनी कहानियों को भी कहानी के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और बुरा नहीं मानता। और जो कहानियाँ आप मुझ तक लाएंगे कि तुम ये बिलीव करते हो जो कि लॉजिकली स्पीकिंग, एविडेंशियली स्पीकिंग इज रॉन्ग, तो मैं बोलूँगा ठीक है, साबित कर दीजिए, मैं मान लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको आपकी पांचवीं पायदान पर मैं हमेशा तो नहीं, लेकिन जब मजबूरी होगी तो मैं आपको टोचता रहूँगा और याद दिलाता रहूँगा कि आपकी हकीकत भी कहानी है। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि सक्सेस की छठी पायदान जो है डिसेप्शन की छठी पायदान जो है चूतिया बनाने की कला की छठी और शायद आखिरी पायदान जो है वो ये है कि आप हकीकत को भी चूतिया बना सको। न सिर्फ ये कि एक इंसान को चूतिया बनाओ, न सिर्फ ये कि उसको पता ना चले कि आपने उसे चूतिया बनाया, न सिर्फ ये कि ज्यादातर दूसरे लोगों को पता ना चले कि आप चूतिया बनाते हो, न सिर्फ ये कि किसी को ना पता चले कि आप चूतिया बनाते हो, न सिर्फ ये कि आपको खुद भी पता ना चले कि आप चूतिया बनाते हो, बल्कि आप हकीकत को भी चूतिया बना सको। मतलब कल मैं बॉम्बे जाऊं और कोई 40 या 50 माला बिल्डिंग ढूंढ के, कहीं ना कहीं तो होगी, उसकी छत पे पहुंचूं और पैरापेट वॉल पे खड़ा होकर कूद जाऊं यूं यूं करते हुए, और ये उम्मीद करूं कि अब मैं उड़ने लगूंगा। इट डजेंट मैटर कि मैंने अपने आप को कितना डिसीव किया था, आपको मालूम है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। मैं उड़ूंगा या जमीन पे जेली बन के पड़ा हुआ होऊंगा। सो यू कैन नेवर फूल द रियलिटी, हकीकत को चूतिया नहीं बना सकते हम, क्योंकि हकीकत को चूतिया बनाने की कोशिश करें तो हम और सिर्फ हम चूतिया बनते हैं। उस चूतिया बनाने से कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान ही हाथ आता है। तो मैं सिर्फ इस वजह से पांचवीं पायदान पे बैठे हुए मेरे प्यारों को टहू के लगाता हूँ कि वो छठी पायदान पे पहुँच जाएं और ये रियलाइज करें कि रियलिटी को चूतिया बनाने की कोशिश करने से रियलिटी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा बिगड़ेगा। तो मुझे ये चाहिए कि आप छठी पायदान पर पहुँचो, बिकॉज दैट इज द ओनली रियल सक्सेस, सिर्फ वही कामयाबी है, सच्ची कामयाबी। इस वजह से मैं आपके सेल्फ डिसेप्शन को एक्सपोज करता रहता हूँ, आपके स्वचूतियापे को, स्वचूतिया बनाने को एक्सपोज करता रहता हूँ। आई नो योर स्टोरीज आर होली, मुझे मालूम है कि आपको अपनी स्टोरीज से मोहब्बत है, मुझे भी तो है अपनी कहानियों से, लेकिन मैं ये नहीं भूलता हूं कि वो कहानियां हैं। कहानी लिखता नहीं हूं मैं, कहानी नहीं लिखता, ये जान करके कि कुछ कहानी सुनाई जा रही है मैं नहीं सुनाता, मैं सिर्फ वो कहानी सुनाता हूँ जो मेरे लिए हकीकत होती है। लेकिन ये जानता हूँ कि वो हकीकत भी कहानी है, और मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत से लड़के
ना आज तक कोई इंसान जीता है ना कभी जीतेगा। हकीकत को चूतिया बनाने की कोशिश करने वाला हर इंसान सिर्फ अपने आप को चूतिया बना के नुकसान उठाया है। कभी उड़ा नहीं है, हमेशा जमीन पे जेली बन के पड़ा रहा है। हकीकत के साथ फर्क करोगे तो जेट इंजन, जेट प्रोपल्शन और एरोडायनामिक्स और कुछ नहीं तो इतने पैसे तो इकट्ठा कर लोगे कि एक प्लेन का टिकट खरीद के उड़ लो। यूं यूं करके नहीं उड़ोगे। सो अगर आपको मुझसे नफरत करनी है तो करिए, लेकिन आपकी कहानियां मैं आपके सामने उजागर करता रहूंगा। ये मेरी मजबूरी है क्योंकि ये मेरी कहानी का हिस्सा है। मेरी कहानी क्या है कि मैं कहानीकार नहीं हकीकत निगार हूं। मैं हकीकत बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, जो है उसको स्टडी करता हूँ और उसको बताता हूँ। कहानी का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा ये कि आपसे मोहब्बत करता हूँ। हर उस शख्स से जो मेरी ज़िंदगी में आता है मैं उससे मोहब्बत करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ किसी न किसी हद तक, करता भी हूँ। तो अगर मैं आपको आपकी पांचवीं पायदान पर टुच टुच करके सुई लगाता हूँ तो इसलिए कि आप छठी पायदान पर पहुँच जाएं और हकीकत को एम्ब्रेस करके जिएं। और इन कंक्लूजन मैं एक सीरियल का एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाहता हूँ। सीरियल का नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। उसके शुरुआती कुछ एपिसोड्स में एक पॉइंट पर टिरियन लैनिस्टर नाम का एक बौना जो अकल से बहुत आगे है, वो और राजा का साला है, एक बस्ती में एक लॉर्ड के कासल पे पहुंचता है और लॉर्ड के पांच तो सो कॉल्ड जायज बच्चे हैं और एक नाजायज बच्चा है। तो ये जब बौना उसके पास पहुंचता है तो नोट करता है कि कोई उसको आके बास्टर्ड बोल के गया तो उसे बुरा लगा। तो टिरियन जो बौना है वो जाता है उसके पास, उस बास्टर्ड के पास जिसका नाम जॉन स्नो है, और जॉन से कहता है बास्टर्ड, और जॉन को ऑब्वियसली बुरा लगता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो तो राजा का साला है, और टोंचता है उसको। और उसके बाद उसको इस पॉइंट पर ले आता है कि वो टिरियन के ऊपर वर्बल कटाक्ष करने लगे, यानी इसके बौनेपन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे, कोई ताना दे। और टिरियन हंसता है और कहता है हाँ मैं यही चाह रहा था, मैं थोड़ी बहुत कहानी गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ मैं यही चाह रहा था, देखो मैं तो बौना हूँ और मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूँ कि मैं बौना हूँ और इस वजह से मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, उसके ख्याल में मैं कचरा हूँ, वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। मैंने ये सब चीज़ों को एम्ब्रेस कर लिया है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पावर मिली है। हकीकत हमेशा आपको ताकत देती है। तुम बास्टर्ड हो, उसको अपने सीने पे गर्व से पहनो, उससे तुम्हें तकलीफ कोई नहीं दे पाएगा। फिर अपनी कमजोरी को अपना कवच बना लो, उसको एम्ब्रेस कर लो, फिर
उस कमजोरी को लेकर कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। यही चीज मैंने अपनी जिंदगी में भी कई दफा की, और अभी वक्त नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन ये बात मेरे जहन में घर कर गई और हमेशा से की हुई है। पहुंचना तो भाई हमें छठी पायदान पर ही चाहिए, और मैं क्योंकि आपसे मोहब्बत करता हूं इसलिए आपको पांचवी पायदान पे टुच 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 करता रहूंगा ताकि आप छठी पायदान पर पहुंचे। और क्यों करता रहूंगा, इसलिए कि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ और हर एक से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी कहानी का हिस्सा है। उस कहानी को छोड़कर मुझे जीने का आइडिया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब देखते हैं कि इन कहानियों के टकराव में आप मेरे पास आते हैं या मुझसे दूर जाते हैं।